भगवती चरण शुक्ल वार्ड में जीत दर्ज करने के बाद महापौर प्रमोद दुबे ने मतदाताओं को धन्यवाद किया है। प्रमोद दुबे ने कहा है कि चुनाव में बढ़त बनाना और पीछे होना स्वाभाविक बात है। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से महापौर प्रमोद दुबे ने जीत दर्ज की। हमारे साथ प्रमोद दुबे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक और जीत, शुरुआत जो रुझान आया उसमें पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में एक बड़ी जीत दर्ज हुई। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव या बूथ वाइज जो बातें होती हैं उसमें अलग अलग सेनारियो होते हैं। 14-15 बूथ होते हैं तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, तो जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी कुछ कॉन्फिडेंस होता है। यूं ही कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ लेता, उनको मालूम रहता है कि मैं 3 बूथ में लीड करूंगा। लेकिन ओवरऑल भगवती चरण शुक्ल वार्ड के लोगों को, प्रबुद्ध जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े अंतर से उन्होंने विश्वास किया है। तो आने वाले दिनों में जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने जो काम किया और वहां की जनता के ऊपर पूरे विश्वास के साथ कि छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत वार्ड होगा, इस संकल्प के साथ आगे हम बढ़ेंगे। हर भाषणों में बीजेपी ने धान के मुद्दे को फिर उपयोग में लाया, बार बार ये कहते रहे कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। गनीमत देशभक्ति को नहीं ले आया, पाकिस्तान को नहीं ले आया, बच गए यहाँ के लोग, वरना अभी फिर ले आते तो उनको भगवान मालिक है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय स्तर की बात वार्ड में करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो चुनाव में स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कोई नेता उनके यहाँ स्थानीय निकाय की बात ही नहीं करना चाहता। लोगों को ये विश्वास अभी भी हमारे ऊपर कायम है तो उसी चीजों को। भूपेश बघेल जी ने कभी ये नहीं कहा धान और समर्थन मूल्य, उन्होंने कहा नगरीय निकाय के चुनाव में स्थानीय स्तर पर जो मैनोफेस्टो है उस आधार पर चुनाव लड़ना, और वही बातें आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी ने कही। और ये तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात पता नहीं कब कहां कर देंगे, हमें उनसे कुछ नहीं कहना, जनता ने उनको बता दिया। ये थे हमारे साथ महापौर प्रमोद दुबे, जिनका दावा है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और अगर बहुमत भी नहीं मिलता है तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस का समर्थन जरूर करेंगे। कैमरामैन जगह के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। नगर निकाय चुनाव के लिए